ओम व्यास ओम ने क्या खूब लिखा है कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, और पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। आज हम उस पिता के उस बेटे से मुखातिब होंगे जिन्हें लोग आकाश सिंह राजपूत कहते हैं और जिनके पिता मध्य प्रदेश शासन के राजस्व एवं परिवहन मंत्री हैं। ये बात हम इस वजह से कह रहे हैं कि आज गोविंद सिंह राजपूत का जन्मदिन है और उनके बेटे बड़े उत्साह से अपने पिता का जन्मदिन मना रहे हैं। भाई साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं पिताजी के जन्म। धन्यवाद धन्यवाद ब्रह्मदत्त दुबे जी, आपको और आपके सभी चैनल के दर्शकों को इस कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और एवं अभिनंदन स्वागत। हम आपकी उम्र भी नहीं पूछेंगे लेकिन एक अनुभव जरूर पूछेंगे कि कुछ पिता की ऐसी बात बताओ कि ताकि सागर जिला भी सुने, क्योंकि हमने जो पहली लाइन ओम व्यास ओम की बोली जी, पिता ने उंगली पकड़कर आकाश को सिखाया है सब कुछ जी। अब आकाश बड़े हो गए। अब ये उस वक्त की बात है जब मैं 110 किलो का हुआ करता था, वो बहुत खाना खाया करता था। मतलब मेरे पिताजी उस टाइम पे भी हेल्थ का इतना ध्यान रखते थे कि मुझे खाना देखते हुए मुझे डर लगने लगा था। वो मुझे खाते हुए देखते थे तो मैं दौड़ जाया करता था, क्योंकि वो पकड़ लेंगे तो मुझे पनिश करते थे। सुबह सुबह 5 बजे उठा देते थे और सुबह सुबह वॉक पे ले जाया करते थे। तो हम लोग ये परेशान हो गए थे कि सोते 2 बजे हैं, उठते 5 बजे हैं, इनकी नींद कब पूरी होती है। मैंने जितना पिताजी से सीखा है, मैंने सबसे पहले ये सीखा है कि आलस सेहत और मानव जाति का दुश्मन है। तो कभी भी अगर मैं आलस खाता हूँ तो मुझे तुरंत उठा देते हैं। कभी भी उनका एक काम है कि जो भी काम आए उसे तुरंत करो, उसे कल के लिए मत टालो, क्योंकि कल किसी का इंतज़ार नहीं करता। हम एक चीज़ और पूछेंगे कि वॉकिंग करते हैं पिता, आप बिल्कुल हेल्थी हैं, फिट हैं पूरे, ये तो सब चीज़ है, लेकिन आपका राजपूत परिवार बहुत फिट है जी, सुर्खी के हिसाब किताब से जी। क्या है, हम लोग बैठने वाले लोग नहीं हैं, ऐसा सुर्खी के समस्त परिवार लोग आपके साथ मौजूद हैं, वो भी जानते हैं कि हम लोग बैठते कम हैं और दौड़ते ज़्यादा हैं, क्योंकि ऐसा होता है हमारे यहाँ राजनीति में कि बैठ के आओ गुरु आओ, चाय पी लो, मिठाई खा लो, पेड़ा खा लो। तो ऐसा हमारे परिवार में सिखाया जाता है कि पहले दूसरे को खिलाओ, जब उसका पेट भर जाए तब आप खाओ। तो ऐसे ही अगर हमारी तो निकल रही होती तो पिताजी हमें बोलते हैं भाई तुम मोटे हो रहे, कल से जिम चालू करो। ऐसे अगर पिताजी का 1 किलो वजन बढ़ जाता है तो उन्हें 2 दिन नींद नहीं आती। ऐसी परेशानी हम लोग के परिवार में एक रहा है कि अगर स्वस्थ रहोगे तो हिट रहोगे। अगर मैं कभी कभी मोटा भी हो जाता हूँ तो हमारे कुछ युवा जन आते हैं, कहते हैं भैया आप मोटे हो रहे। हमने कहा यार हम भी इंसान हैं। कहते नहीं भैया आपको हम मोटा हुए नहीं देख सकते, आप अपने पापा को देखो। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है पिताजी की चुनौती मुझे भी मिलती आती है, क्योंकि वो सेहत में इतने मजबूत हैं और हेल्दी हैं, तो हमारी सुर्खी विधानसभा के सब आदमी फिट रहते हैं। भाई साहब आज पूरा सुर्खी विधानसभा जिले के संभाग के मध्य प्रदेश के लोग पिता को बधाई देने आए, कैसा महसूस करते हैं कि पिता कितने लोकप्रिय नेता हैं जी। ये तो ऊपर वाले का कृष्ण जी का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है, जो तमाम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और जगह जगह से लोग आते हैं। हर वर्ष आकर इतने, मतलब हर साल आ जाना और बधाई देना, ये काफ़ी मतलब वो लगता है, शौक लगता है कि ऐसे लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। लेकिन शायद जब युवा पिताजी थे तो उन्होंने पूरे प्रदेश भर में, देश भर में अपना नाम कमाया, अपना वजूद कमाया, और वही प्रेम है जो आज यहाँ पर सुर्खी में है। लेकिन ढूंढते ढूंढते आदमी पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश से आदमी आकर यहाँ मंत्री जी के रॉयल पैलेस में आकर उनका जन्मदिन मनाने आता है। इसके लिए मैं समस्त साथियों का और जो पिताजी से लगाव रखते हैं, हमारे पिताजी के प्रति प्रेम रखते हैं, उनका तहे दिल से आभार और धन्यवाद। सुर्खी की जनता बहुत स्नेह के साथ आ जाई है और 2023 की तस्वीर हमें आज ही से देखने को मिल रही है जी, बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि आने वाले समय में लगभग अधिकतर टेंडर अपने सुर्खी विधानसभा के ही निकले हैं, जिसमें बस स्टैंड शामिल है, जनपद सदस्य, जिला पंचायत, दुनिया भर की तमाम कार्य अब सुर्खी में होंगे। आपका जो विकास है और हमारा जो सपना है विकास का, वो अगले 1.5 साल में तो कार्य प्रारंभ आपको दिखने लगेगा, लेकिन अगले 5 साल में जो नज़ारा आपने भी कल्पना किया है और जो हमने भी सपना देखा है, सुर्खी का एक विकास जो सब जगह दिखे और गली गलियारों में एक मुस्कान हो, यहाँ पे ना पानी की समस्या हो ना बिजली की समस्या हो, ऐसा हमारा भी सपना है, जो सपना आप देखते हैं ब्रह्मदत्त दुबे जी, क्योंकि आप भी बिलेरा से हैं, हम भी सुर्खी परिवार से जुड़े हुए हैं, हमारा भी जैसी नगर में निवास है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी तस्वीर जहाँ कोई भी समस्या ना हो, लोग आपस में प्रेम से रहे, कोई भी झगड़ा ना हो, कोई भी दंगे ना हो,
एक ही छत के नीचे सब मुस्कुराहट से अपना प्रेम बांट सके। पिताजी की खूबसूरती का राज क्या है? पिताजी की खूबसूरती का राज उनका सेहत के प्रति ध्यान देना, ज़्यादा खाना ना खाना, समय समय पर अपनी मेहनत में अपना जो उनका तेज है वो पूजा पाठ से भी आता है। तो ये तो हिंदू धर्म में सिखाया जाता है कि आप जिस तरीके से अपना दिनचर्या रखेंगे उस तरीके के आप सेहत रखेंगे, उस तरीके का आपका तेज होगा, उस तरीके का आपकी जवानी होगी और रवानी होगी। ठीक है, तो आपकी जवानी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर पिताजी के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बार फिर से राहत इंदौरी की जी की इनकी जो किताब है उससे चंद शायरी एक बार फिर ब्रह्मदत्त जुबे जी बोलेंगे हम सबके लिए। हम चाहते हैं कि एक राहत इंदौरी जी की एक कविता। आज ये जो पब्लिक हमने देखी और पब्लिक देखकर हमें लगा कि सुर्खी आज भी मोहब्बत करती है गोविंद सिंह राजपूत से, तो 2023 में मैं फिर राहत इंदौरी की एक शेर कहूँगा, लाइन कहूँगा कि हवा खुद हवा के खिलाफ है जानी और दिए जलाओ मैदान साफ। टाइटन वर्ल्ड शोरूम, यहां आपको मिलेंगी ब्रांडेड घड़ियां, चश्मे, पर्स, बेल्ट, साथ ही इंटरनेशनल ब्रांड भी उपलब्ध। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरोनिया। रोहित मोबाइल, मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा।